back to my channel. So I'm really happy इस एक और शीन हॉल को आपके सामने शेयर करते हुए, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत सारे लोग इनफैक्ट जो भी देखते हैं इन्जॉय तो करते ही हैं, बट कुछ चीज़ें कुछ लोगों को समझ में नहीं आती हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाती हैं. और क्योंकि डिस्काउंट कूपन वगैरह भी रहता है तो अच्छा खासा शॉपिंग में आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है. लेट मी टेल यू, इस बार का जो कलेक्शन है उसमें टॉप्स आपको बहुत ही वैरायटी के देखने को मिलेंगे. सो इफ़ यू आर अ टीनेजर, इफ़ यू आर यू नो कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग, आपको बहुत अच्छी खासी ऑप्शंस में देने वाली हूँ. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ओके, सो सबसे पहले ना आई विल स्टार्ट विद दिस बंच ऑफ टॉप्स जो कि मैंने एक ही में पैक कर रखे, बहुत ज़्यादा फेवरेट्स हैं इस बार मेरे टॉप्स. अगर आप पार्टीज वगैरह के लिए भी कुछ ढूंढ रहे हो ना तो यू आर सॉर्टेड, बट ये वाला वीडियो एंड तक देखना बिकॉज समटाइम्स आई हैव टॉप्स, समटाइम आई हैव ड्रेसेस, समटाइम बॉटम्स. आई वॉन्ट यू टू चेक आउट सारे जो भी टॉप्स मैं आपको बताने वाली हूँ. लेट मी स्टार्ट विद दिस टॉप जो कि आपने ऑलरेडी एक वीडियो में देख लिया था, बहुत सारे कॉमेंट्स करके पूछ चुके हैं. ये है फ्रिल ट्रिम ब्लाउज जिसमें फ्लोरल प्रिंट्स है, इट्स ब्लू इन कलर, वेरी समर अप्रोप्रिएट. ये आपको ब्लैक जेगिंग्स, व्हाइट पैंट्स, जो भी बॉटम्स हो जिस भी कलर का हो, व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, किसी के साथ में भी बहुत ही अच्छा लगेगा. इसकी जो बेल स्लीव्स है ना वो इस ओवरऑल टॉप की ना शान है, मतलब बहुत ही सुंदर लगती हैं, काफ़ी अच्छा एक उनका ना फिट बैठता है. एंड दिस टॉप इज़ रियली ब्यूटिफुल, कम्फर्टेबल बहुत है पहनने में. मेरा इसमें जो साइज़ है वो है XS और ये मुझे बहुत ही अच्छे से फिट होता है, इट्स वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर और आपको डेफिनेटली एक बार चेकआउट करना चाहिए. इसमें ना थोड़ी सी ना डिफरेंट चीज़ मंगा दी थी. सो ये है क्या, ये है बहुत ज़्यादा फ्लोई फ्लावर प्रिंट वाला ये रैपअप ड्रेस. इसका जो फॉल है ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, कलर बहुत ही अच्छा है. लेट मी टेल यू, बहुत सुंदर कलर है. एक मैंने पहले भी ऐसा ड्रेस मंगाया था, बट दैट वाज लाइक अ गाउन, लेकिन इंडो वेस्टर्न वो लग रहा था थोड़ा सा वैसा. आई लव द कलर. ओके, सो अ टॉप और स्कर्ट का ये वाला जो कोट सेट है ना, इसको देख के आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लगेगी, ओ माई गॉड, सो क्लासी. आई मीन बहुत ज़्यादा बेसिक है, सोबर है, लेकिन एक क्लासिक टच के साथ में. इट्स कॉल्ड दिस पेंसिल स्कर्ट, जो कि इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, मतलब एक्सपोज्ड ज़्यादा नहीं हो रहे हो आप, दैट मीन्स ज़्यादा रिविलिंग नहीं है, बट स्टिल यू आर लुकिंग क्लासी, है ना. एलिगेंट पीस है, बहुत ही अच्छा है. मेरा इसमें जो साइज है वो है XS एंड लुक एट दिस कलर, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. यहाँ पे आपको टॉप पे नीचे ये स्ट्रैप्स मिलते हैं, आप उसको बांध के थोड़ा सा शो ऑफ कर सकते हो. ओवरऑल आई लव द पीस, फिट अच्छा है, कलर बहुत ही सही है. फुटवेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये ब्लैक हील्स ऑर्डर करी हैं ब्लैक स्ट्रैप्स के साथ में. इसका जो बेस है ना, लाइक आपको देखिएगा ऑलमोस्ट ब्लॉक हील जैसा ही आपको कंफर्ट देता है, पेंसिल हील जैसा कुछ भी नहीं है. एंड जो बेस है, सोल है, वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप अच्छे से वॉक कर सकते हैं. अब क्योंकि कलर भी ब्लैक मैंने लिया है तो मोस्ट ऑफ चीज़ों साथ में आराम से जा सकता है. एंड फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आई रियली लाइक इट. बाय द वे मेरा इसमें साइज़ है 38 और मुझे ये काफ़ी सही लगे. ओके, सो पिंक के साथ में ये टैन का कलर कॉम्बिनेशन बैग में मुझे बहुत ही सुंदर लगा था. एक्चुअली आई नो इट, 3-4 दिन से मैं उसको घूरे जा रही थी, बट देन आई एंडेड अप यू नो पुटिंग इन द कार्ट. इसके साथ में अलग से स्लिंग मिलता है, आप उसको वैसे कैरी कर सकते हो. आपको यहाँ पे एक छोटा सा मेकअप पाउच मिलता है, आपको यहाँ पे यू नो एक अलग से एक्स्ट्रा स्लिंग मिलता है इस पर्टिकुलर बैग के लिए. यू गेट दिस डायरी काइंड ऑफ अ थिंग, तो काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी मल्टीपर्पज, आप उसको हैंड बैग, स्लिंग बैग, जैसे भी कैरी करना चाहते हो करो. ओवरऑल आई लव द कलर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही हैं, सिर्फ एक बैग नहीं. ओके, सो नेक्स्ट मैंने मंगाया है एक पीजे सेट जो कि है सूदिंग पिंक से कलर के और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में. दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, ये जो ग्राफिक डिजाइन है ना यहाँ पे इस टी शर्ट के, ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा सूदिंग है, बिल्कुल ज़्यादा चटक मटक नहीं और क्या तो नींद आएगी बढ़िया वाली, इतना कंफर्टेबल है. इसमें जो मेरा साइज है ना वो है XS इज ऑलवेज और ये जो पजामा है ना, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. मतलब मैं एक्चुअली पजामे बहुत ढूंढती हूँ यार, अभी मैं पजामा पहन के बैठी हूँ. मतलब पजामे बहुत काम के होते हैं, मतलब जब भी कोई शीन ऑल होता है ना उसमें आपने देखा होगा 1 से 2 पजामे तो मैं लेती ही लेती हूँ. एंड दैट्स द रीजन, मतलब पजामों में ही हमको दिन काटने होते हैं, दैट इज हाउ इट गोज. मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कलर कॉम्बिनेशन, आपको डेफिनेटली एक बार चेकआउट करना चाहिए, प्राइस वाइज भी काफ़ी ठीक ठाक है. अच्छा, लेटर प्रिंट जो टीज है ना उनका कलेक्शन शीन पे माशा अल्लाह, मतलब बहुत ही बढ़िया है. इतनी बढ़िया हमारी वाइड रेंज मिलेगी ना, इससे भी बहुत बढ़िया तो कुछ नहीं है. सो यहाँ से मैंने ये पिक की है ग्रीन कलर की लेटर प्रिंट टी शर्ट जो कि है ये क्या साइज में है, XS साइज है. तो ये काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छा फिट है इसका, लूज फिटिंग में है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और इसका जो लाइक जो टी शर्ट लेंथ है ना वो भी बहुत ज़्यादा सही है, ना ज़्यादा लंबी है ना ज़्यादा शॉर्ट है, मतलब क्रॉप पैटर्न नहीं है इसका, मतलब बढ़िया है. सो नेक्स्ट जो बैग है मेरे पास वो है ये रेड कलर का क्लासी बैग जो कि इस तरीके के बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिसाइज डिटेलिंग वाले जो स्टोन्स होते हैं उनके साथ में आता है. इसका जो ये वर्क है ना ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, इट्स वेरी प्रेशियस, मतलब बहुत ज़्यादा रिच लुक देता है ओवरऑल बैग को. बैग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप इसको एज अ हैंड बैग, एज अ स्लिंग बैग, मतलब वो डिपेंड करता है आप कहाँ ओकेजन पे जा रहे हैं, मतलब पार्टीज वगैरह में तो एज अ हैंड बैग लेके जाओ छोटा सा, मतलब नजरें ना आप पे रहेंगी. मुझे कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा बहुत मेकअप आ जाएगा, फोन वगैरह कैरी कर सकते हैं, चार्जर भी आ जाएगा, पावर बैंक भी आ जाएगा, सो क्या टेंशन है. नेक्स्ट मेरे पास है ये बहुत ज़्यादा समर वाइब्स देने वाली ये येलो ड्रेस जिसका मैंने बूमरैंग डाला था. इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रही हो तो चेक इट आउट,
आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक समर वाइब्स इतने आ ही चुके होंगे, बट इस ड्रेस के साथ में ना कुछ ज़्यादा ही है। सो ये है मेरे पास ये बटन अप ड्रेस जो कि कुछ इस तरीके से है, मस्टर्ड येलो कलर है, बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है। स्पेशली आपको बोला ना इंडियन स्किन टोन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा फपता है। ओवरऑल ना मुझे इसकी वाइब्स बहुत ही अच्छी लगी इस ड्रेस की। और हाँ लेंथ बहुत अच्छी है, आप इसको डिनर पर पहन सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ में आउटिंग पर जा सकते हैं, मतलब परफेक्ट फिट लगेगा आपको, ऐसा नहीं कि कुछ रिवीलिंग नथिंग लाइक दैट, मजा आ जाएगा, मतलब है मजा आ जाएगा। ओके सो अब आपको पता ही है जो कॉर्ड्स होते हैं ना उससे हमारी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा हैसल फ्री हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रहती है, बिकॉज अगर हमने टॉप ढूंढ लिया तो हमको बॉटम्स को ढूंढने का चक्कर नहीं पड़ेगा। सो उस केस में आप कुछ ऐसा पहन सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्चुअली बोहो कलर में है। आप देखोगे यहाँ पे ये आपको ऑफ शोल्डर टॉप मिलता है, मटेरियल बहुत ज़्यादा स्ट्रेची है, तो अगर फिट थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया तो पता चलेगा नहीं, बहुत सही से आपको आपकी बॉडी को हक करेगा, बहुत अच्छा सा फिट देगा। एंड इसकी जो पैंट्स की लेंथ है ना वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब समर में एटलीस्ट इफ़ यू वॉन्ट टू बी कम्फर्टेबल और ज़्यादा रिवीलिंग भी नहीं पहनना है, ये एक काफ़ी सही वाला ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा एरी है मटेरियल, मतलब आप बहुत सही वाली हवा पास होगी, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कलर स्पेशली समर्स में। नेक्स्ट जिस ड्रेस की मैं बात करने वाली हूँ वो है ये अनियन कलर में। ये बहुत ही अच्छा सा गाउन है, लुक एट दैट, मतलब ऊपर से ना इसके नेट डिटेलिंग है एंड देन आपको नीचे से बहुत ज़्यादा फ्लोई मतलब ऐसा पैटर्न मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फॉल है इसका, काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, नेट पैटर्न है ना तो अच्छी खासी हवा भी पास होती रहती है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको इंडियन वेडिंग्स में भी पहन सकते हैं, रिसेप्शन में भी पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छा है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है इसका और शीन के गाउन्स के साथ में ना बहुत ही अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस, बहुत ही सही। इस बार ना मैंने भी ट्राई किया है ये शी इन गर्ल्स का फेवरेट ये वाला कोर्ट सेट। सो यहाँ पे ये पैंट्स हैं और ये है टॉप। इसका ये जो टॉप है ये ट्यूब स्टाइल में आता है, ट्यूब फॉर्म में आता है एंड इट्स स्ट्रेची। यहाँ पे बहुत ही अच्छे खासे बटन्स की आपको डिजाइनिंग डिटेलिंग दी हुई है। मेरा इसमें जो साइज है वो है XS, बट इसमें मैं आपको बताऊंगी टॉप इज फाइन इस साइज के अकॉर्डिंग, बट जो पैंट्स है ना वो मुझे थोड़ी सी फिट हुई, थोड़ी सी नहीं। एक चीज मैं आपको बता दूं, इवन अगर आपकी हाइट कम है या ज्यादा है मेरे अकॉर्डिंग भी ना मुझे इसको थोड़ा सा अभी ट्रिम करवाना पड़ेगा, बिकॉज पैंट्स ना बहुत ज्यादा लंबी है एंड विद दिस प्राइस मुझे काफी अच्छा लगा एंड लुक एट द कलर, इट्स वेरी समर अप्रोप्रिएट। यहाँ पे है मेरे पास बेल स्लीव्स के साथ में वाला टॉप एंड लुक एट द बेल स्लीव्स। इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही सुंदर है और इसको स्पेशली जब आप टक इन करके पहनते हैं ओह माय गॉड इतना सुंदर लगता है, बिकॉज यू नो कुछ ढीला ढाला नहीं है बट यू हैव दिस यू नो स्लीव्स का जो यू नो पूरा ड्रामा है गोइंग ऑन, इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल एंड ये ऐसा मटेरियल है जिससे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी समर्स में, तो आप बहुत अच्छे से पहन सकते हैं डे आउट में, सपोज आप लंच ब्रंच कहीं पे भी जा रहे हैं, इवनिंग्स में भी काफी अच्छा लगेगा। बस एक अच्छी फिटिंग वाला बॉटम आप पहन जाओ, ब्लैक हो ब्लू हो एनीथिंग वुड डू, बढ़िया सा एक बेल्ट लगा जाना, ओ माय गॉड, मतलब आप ही आप देखोगे। बाय द वे मेरा इसमें जो साइज है वो है XS। लव दिस टॉप, लव दिस टॉप, दिस कलर कॉम्बिनेशन, ओ माय गॉड। सो नेक्स्ट मेरे पास है ये अब बेज कलर का क्लासी टॉप, ओह माय गॉड, मतलब अगर आपको कुछ भी डाउट है ना कि क्या पहन के जाएं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी सीजन में बहुत ही सही दिखने चाहिए हो आप, देन दिस इज द टॉप जो कि आपको एक बार चेकआउट करना चाहिए। इसकी जो स्लीव्स पे जो ये रफल डिजाइन है ना ये भी बहुत अच्छे से हग करती है। मेरा इसमें साइज है XS, मोस्ट ऑफ मेरा जो टॉप्स होते हैं उसमें साइज XS ही रहेगा। इसका जो गला है ना वो थोड़ा सा डीप है, लाइक यू नो इट्स इन दी स्क्वायर शेप, जो हल्का सा थोड़ा सा इफ़ यू आर अ बस्ती, इफ़ यू आर अ हैवी चेस्टेड, तो उस केस में थोड़ा सा आपको चेकआउट करना चाहिए इसको कि आप यू नो इसको पहन के कंफर्टेबल हो सकते हैं या नहीं। अदर देन दैट बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग लुक है, आई मीन इसका पोल्का डॉट्स का डिज़ाइन तो देखो, इट लुक्स रियली गुड। एंड नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस टॉप जो कि आता है सिमेट्रिकल नेक के साथ में एंड इट्स गॉट दिस यू नो बेल्ट जो कि आपको टाई करना होता है, इट्स गॉट फुल स्लीव्स। हाँ फोटोज में बहुत अच्छा लगता है, स्टाइलिश है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, आई मीन दैट इज आवर द नेक इज, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये टॉप। अब क्योंकि हमने बहुत सारे टॉप्स की बात कर ली है, थोड़ी सी बॉटम पे भी बात कर लेते हैं, बिकॉज यू नो वॉट पक नहीं जाते हैं क्या हम लोग एक ही तरीके के बॉटम्स पहनकर, और डिफरेंट डिफरेंट टॉप्स हो तो यार एक्सपेरिमेंट तो बनता ही है। इसके साथ में ना ये बेल्ट भी आता है, लुक एट द कलर, इट्स वेरी समर अप्रोप्रिएट एंड ये जो मस्टर्ड कलर होता है ना ये इंडियंस पे बहुत ही फपता है। मेरे पास इसका कैमी जंप सूट है, ये भी है, ये काफ़ी अच्छा है, पार्टीज के लिए भी अच्छा है, फॉर्मल भी बहुत अच्छा है। मैं सोच रही थी अभी मेरा इसमें साइज है S, मैं इसका M लेती तो ज़्यादा बेटर रहता। लेट मी टेल यू, गर्मी में ना जींस से तो हम नहीं पहन सकते, पैंट ना अच्छा ऑप्शन है स्पेशली इतने से रुपए में। इस वाले टॉप को देखकर आप समझ गए होंगे मेरा सीक्वन के साथ में क्या बढ़िया वाला कनेक्शन है, और मेरा ना सीक्वन के साथ में शीन के साथ में एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। मेरा हॉल्टर नेक का डिज़ाइन है, मतलब हवा की हवा भी पास हो रही है और गर्मी भी नहीं लग रही है, और मटेरियल ना अच्छी खासी लाइनिंग दे रखी है, मतलब कुछ लोगों को लगता है और चुभे गई तो ऐसा नहीं है, आपको एक्चुअली चेकआउट करना चाहिए। पीछे की होल डिज़ाइन है और इसमें मेरा साइज मैं आपको बताऊँ, मेरा इसमें साइज है एज यूजल XS। ओके नेक्स्ट अप आई हैव दिस वेरी कूल पार्टी ऑप्शन जो कि डिसेंट भी है, तो ये है पार्टी ऑप्शन जो कि है बहुत ही खूबसूरत सा टॉप जिसका मटेरियल भी ना बिल्कुल चटक वाला नहीं है, आप देखो कितना डिसेंट लग रहा है एंड स्पेशली अगर आपके टमी एरिया पे फैट है ना तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकता है उन चीज़ों को। मेरा इसमें जो साइज है वो है XS और ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली एक बहुत ही बढ़िया वाला पार्टी ऑप्शन है।
एंड जस्ट कैरी अ स्लिंग बैग, बैग नहीं भी लोगे ना तो भी चलेगा, इट्स रियली गुड. नेक्स्ट रहा, मैंने भाई के लिए कुछ मंगाया है और ये है लेदर जैकेट जो कि कुछ इस तरीके का है. यहाँ पे आपको जिप्स मिलती हैं, पैटर्न बहुत ही सॉलिड है, मतलब बिल्कुल एकदम लड़कों जैसा, और यू नो बाइकर जैकेट्स नहीं होते बिल्कुल वैसा ही फीलिंग है इसका. ओवरऑल काफी अच्छा लगा भैया को, बहुत ज्यादा बेसिक है. यू नो बाकी के बाइकर जैकेट्स में आपको बहुत सारी जिप्स मिलती है इधर उधर उधर, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी बेसिक, बहुत ज्यादा सोबर है बट क्लासिक. टॉक अबाउट दिस कोट सेट जो कि आई वुड से स्पेसिफिकली ये समर्स के लिए है, आप इसको किसी भी यू नो सीजन में पहन सकते हैं. मेरा जो प्लान है वो इसको टॉप को यू नो समर में पहनने का है. बहुत ही अच्छा है, बॉडी हगिंग है, फिट बहुत ही अच्छा है. कलर, लुक एट दिस जिंजर कलर, ओ माई गॉड, रियली लव द शेड. ओके सो नेक्स्ट जो गाउन है ना ये आपको प्रिंसेस लुक देने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, स्पेशली द केप डिज़ाइन है ना वो बहुत ही अच्छी है. कलर काफ़ी अच्छा है इसका. मेरा इसमें जो साइज़ है ना वो है XS एंड दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये आपको वेस्ट पे ना अच्छे से सिंच करता है एंड द फ्लो, ओ माई गॉड, इट्स ब्यूटिफुल, बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग है. एक अच्छा लुक अचीव करने के साथ साथ आपकी बॉडी को भी ना बहुत एक अच्छे परफेक्ट शेप में रखने में हेल्प करेगा. कलर भी काफ़ी समर अप्रोप्रिएट है, इट्स लाइट पिंक इन कलर, आपको मजा आ जाएगा इसको पहनोगे तो. दैट इज़ ऑल्सो दिस वीडियो. आप सोच रहे होंगे ये मूवी की तरह इसके कपड़े कैसे चेंज हो गए, देखो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं इसका एंड पार्ट रिकॉर्ड करना भूल गई थी. ये वाला कलेक्शन आपको अच्छा लगा, वीडियो को एंजॉय किया तो कूपन है इस वीडियो को लाइक और फिर साथ में शेयर. जैसे कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्दी बेहतरीन वीडियो के साथ में. तब तक के लिए क्या, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच.